हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिसकस वर्कशीट नंबर थर्टी थ्री क्लास टेन साइंस स्फ़ेरिकल लेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टाइप ऑफ स्फ़ेरिकल लेंस कॉन्वेक्स लेंस थिन फ्रॉम कॉर्नर थिक एट सेंटर कन्वर्जिंग यानी लाइट को ये एक जगह पर केंद्रित कर लेते हैं कन्केव लेंस है थिक फ्रॉम कॉर्नर थिन एट सेंटर डाइवर्जिंग यानी लाइट को फैला देते हैं लाइट को रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन

मैग्निफिकेशन फार्मूला है एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है यानी एच डैश अपॉन एच तो पावर ऑफ लेंस यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर डिनोटेड बाय डी पी इज इकल टू वन अपॉन एफ इन मीटर यानी अगर हमारे को फोकस दिया है तो हम पावर निकाल देंगे और पावर निकाल दी गई है लेंस की तो हम उसका फोकस पॉइंट आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से

एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन ये सभी एक प्लेन में होते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर ऑफ लाइट दिस लॉ इज़ नोन एज स्नेल्स लॉ यानी साइन आई एंगल ऑफ इंसीडेंट अपॉन साइन आर एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन जिस एंगल से रिफ्लैक्ट हो रही है एक कॉन्स्टेंट है इसे स्नेल्स का नियम कहते हैं रिफ्लैक्टिव इंडक्स रिफ्लैक्टिव इंडक्स एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू एप्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू और एयर अगर ये और एयर के सापेक्स है तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी अपॉन वी यानी सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूमर रेयर और बी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्वेश्चन वन है वे शुड एन ऑब्जेक्ट वी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ये आप ये है एट टू एफ यानी आप इसको रखेंगे टू एफ पर ये टू एफ पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को तब सेम साइज की दूसरी साइड भी टू एफ पर ही बन जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्पेरिकल लेंस इज़ फोकल लेंथ ऑफ प्लस फिफ्टीन सेंटीमीटर वॉट इज द टाइप ऑफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि इसकी पॉजिटिव में है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस वाटर ग्लास प्लास्टिक क्ले तो आंसर इज क्ले क्ले को यूज़ नहीं कर सकते बाकी सब ट्रांसपेरेंट हैं इसलिए उनको यूज़ किया जा सकता है हाउ डज द साइज़ ऑफ द इमेज चेंजेस एज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉड क्लोजर टू कॉन्वेक्स लेंस जैसे क्लोज आते रहेंगे एफ uh, तक जब तक लाएंगे तो उसका साइज इंक्रीज होता रहेगा ठीक है ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं देखो ये है ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ये रखा ऑब्जेक्ट ऑबजेक्ट इस तरह तो से बना सकते हैं ठीक है और दूसरा केस है ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड टू एफ ये एफ एंड टू एफ वाला है और ये है एट टू एफ ठीक है तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस फोकस ऑफ लेंस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इट इज मिड पॉइंट ऑफ लेंस एंड इज डिनोटेड बाय ओ यानी ये सेंट्रल पॉइंट या मिड पॉइंट है लेंस का और ओ से डिनोट करते हैं फोकस ऑफ लेंस वेन बीम ऑफ लाइट पैरल टू प्रिंसिपलिस रिफ्लैक्शन कन्वर्स ऑन प्रिंसिपलिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वैक्स लेंस एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सेज दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कंकेव लेंस क्वेश्चन डिफाइंड पावर ऑफ द लेंस द पावर ऑफ लेंस प्लस टू डी फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस तो पावर ऑफ लेंस है ये पावर ऑफ लेंस इज द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज यानी जितनी लाइट रेज वो कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है उसको ही पावर ऑफ लेंस कहते हैं ठीक है चीके? तो और ये होती है वन अपॉन एफ वन अपॉन एफ द पावर ऑफ लेंस इज प्लस टू डी फाइंड द फोकल लेंथ द फोकल लेंथ लगानी है तो पी इज इक्वल टू था वन अपॉन एफ तो हमें एफ निकालना तो एफ भी हो गया वन अपॉन तो कितना होगा वन मीटर यानी पचास सेंटीमीटर या पॉइंट फाइव मीटर कह सकते हो फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो इस तरह से आपने वर्कशीट की प्रॉब्लम